हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी, सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के इस ऑटोकैड 3D लेसन में हम बात करेंगे ब्लेंड एंड सरफेस पैच कमांड की। किस तरह से इनको यूज़ लेना है, क्या क्या इनका यूज़ होगा, कहाँ कहाँ पे हम यूज़ ले पाएंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ब्लेंड। ब्लेंड क्या होता है वो देखते हैं। क्रिएट्स अ स्प्लाइन एंड अ गैप बिटवीन टू सेलेक्टेड लाइन और कर्व। तो जैसा आप यहाँ पे ड्राइंग में देख पा रहे हैं, दो लाइन या कर्व हैं, इनके बीच में ये कुछ ऑब्जेक्ट जो आपको रेड कलर से दिख रहा है, इस तरह से ऑब्जेक्ट वो ब्लेंड हो जाएगा, यानी आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट जो है जो कनेक्टेड नहीं है, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक और दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। देन वो ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्ट हो जाएगा और एक सिंगल सेलेक्टेबल ऑब्जेक्ट आपके सामने बन जाएगा, यानी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो गैप खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे है सेलेक्ट ईच ऑब्जेक्ट नियर एन एंड पॉइंट। द शेप ऑफ द रिजल्टिंग स्प्लाइन डिपेंड ऑन द स्पेसिफाइड कंटिन्यूटी। द लेंथ ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज्ड। तो उसकी जो लेंथ है, जो आपकी लाइंस या जो भी कर्व हैं, उनकी जो लेंथ है वो अनचेंज ही रहेगी, केवल उनके बीच में एक नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आगे देखते हैं। वैलिड ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड लाइंस, आर्क्स, इलिप्टिकल आर्क्स, हेलिक्सेस, ओपन पॉइलाइंस एंड ओपन स्प्लाइंस। द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स आर डिस्प्लेड। तो ये सारे उसमें रहने वाले हैं और इसके साथ में आपको कुछ फॉलोइंग जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो आएंगे, उनको किस तरह से यूज़ लेना है वो हम देखते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे है सेलेक्ट्स अ लाइन और ओपन कर्व नियर द एंड वेयर द स्प्लाइन शुड स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको लाइन या ओपन कर्व ही यूज़ होगा, क्लोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट अनदर लाइन और ओपन कर्व नियर द एंड वेयर द स्प्लाइन शुड एंड। तो जहाँ से स्टार्ट होगी वो सेलेक्ट करना है, जहाँ पे एंड होगी वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फिर है कंटिन्यूटी। स्पेसिफाई वन और टू टाइप ऑफ लेंथ्स। तो दो टाइप के यहाँ पे हो सकते हैं। फिर है टेंजेंट। क्रिएट्स ए डिग्री थ्री स्प्लाइन विद टेंजेंसी जी वन कंटिन्यूटी टू द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट एट देयर एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको उसके टेंजेंट्स शो करने होंगे। देन है स्मूथ। क्रिएट्स ए डिग्री फाइव स्प्लाइन विद कर्वेचर जी टू कंटिन्यूटी टू द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट एट देयर एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे स्मूथनेस के लिए, इफ़ यू यूज़ द स्मूथ ऑप्शन डू नॉट स्विच द डिस्प्ले फ्रॉम कंट्रोल वर्टिज टू फिट पॉइंट। द एक्शन चेंज द स्प्लाइन टू डिग्री थ्री विच विल चेंज शेप ऑफ द स्प्लाइन। तो यहाँ पे फाइव और थ्री जो आप देंगे उनके अकॉर्डिंग वो शेप चेंज होगा, स्मूथनेस उसकी उसी अकॉर्डिंग हो जाएगी। आगे देखते हैं सर्फ पैच, या इसे पैच भी कह सकते हैं, और सर्फ पैच क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सरफेस में काम आते हैं इसलिए सर्फ पैच इन्हें कह सकते हैं। ऐसे ही जो ब्लेंड है वो भी आप सरफेस में कर सकते हैं, सरफेस ब्लेंड भी इसी का पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो देखते हैं। सर्फ पैच क्रिएट्स अ न्यू सरफेस बाय फिटिंग अ कैप कवर अ सरफेस एज फ्रॉम दैट फ्रॉम अ क्लोज लूप। जैसा कि आप यहाँ ड्राइंग में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ओपन एरिया है सरफेस से जो घिरा हुआ है, इस पे आप इस तरह से कुछ कैप कवर लगाना चाहते हैं तो वो आप सर्फ पैच के द्वारा लगा सकते हैं, वो बड़ा ही इजीली ये इस पर कवर हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करते हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन ऑल्सो एड एंड एडिशनल कर्व ओवर द क्लोज लूप द कंस्ट्रेंट अ गाइड टू गाइड द पैच सरफेस। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्लोज लूप में होना चाहिए, वरना ये प्रॉब्लम आएगी आपको और ये सर्फ पैच नहीं होगा। आगे देखते हैं। व्हेन यू क्रिएट ए पैच सरफेस यू कैन स्पेसिफाई सरफेस कंटिन्यूटी एंड ब्लिच मैग्नीट्यूड इफ द
सरफेस एसोसिएटिविटी सिस्टम वेरिएबल इज सेट टू वन, एसोसिएटिविटी इज मेंटेन्ड बिटवीन द पैच सरफेस एंड द ओरिजिनेटिंग एज और कर्व। और इसमें भी आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सरफेस एज, तो सेलेक्ट इंडिविजुअल एज सरफेस एजेस एंड एड्स देम टू द सेलेक्शन सेट। देन है चेन, सेलेक्ट कंटिन्यूअस एजेस टू कनेक्टेड बट सेपरेट सरफेस ऑब्जेक्ट्स। फिर है कर्व, सेलेक्टेड कर्व राइदर देन एजेस। तो ये यहाँ पे आप उसके द्वारा कर सकते हैं, ये तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसके अलावा है एक्सेप्ट द पैच सरफेस, क्रिएट्स ए पैच दैट स्पैन्स द एजेस यू सेलेक्टेड। फिर है कंटिन्यूटी, मेजर्स हाउ स्मूथली सरफेस फ्लो इनटू ईच अदर, द डिफॉल्ट इज G0, सेलेक्ट अ वैल्यू और यूज द ग्रिप टू चेंज द कंटिन्यूटी। फिर है ब्लिज मैग्नीट्यूड, द बेस्ट रिजल्ट एंटर अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1 टू सेट द राउंडनेस ऑफ द पैच सरफेस एज वेयर इट मीट्स द ओरिजिनेटिंग सरफेस, द डिफॉल्ट इज 0.5। गाइड, use additional guides curve to shape the patch surface, guide curves can be curved or points। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पैच के द्वारा उसे ज्वाइंट कर सकते हैं, यानी जो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है और कैप वगैरह इस तरह का आपको लगाना है, कुछ क्रिटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो सरफेस से बने हुए हैं या और किसी से, तो उनकी एजेस के द्वारा आप इसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। तो दोस्तों आज के इस लेसन में इतना ही, थैंक यू।